Hello everyone, welcome to my channel Family Physician. I am Dr. Pragati Ajaria और आज की वीडियो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज डेंगू, जिसे डेंगू भी कहा जाता है। और आप सभी को जैसे पता है, ये बारिश के सीजन में बहुत ही ज़्यादा कॉमन बीमारी है और बारिश जैसे कि स्टार्ट होने ही वाली है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो इसे प्लीज़ लास्ट तक देखें और अपने वैल्यूबल कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं। डेंगू या डेंगी फीवर एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि फीमेल एडीज मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है। एक मच्छर है जिसका नाम एडीज है, उसकी जो फीमेल होती है वो एक जिसको इन्फेक्टेड पर्सन है, जिसको पहले से डेंगू है, अगर वो उसको काटती है और फिर जाकर दूसरे इंसान को काटती है, तो वो इन्फेक्शन उस इंसान से दूसरे इंसान तक फैल जाता है उस मच्छर के थ्रू। तो इसका सबसे बड़ा प्रिवेंशन ये होता है कि हम मॉस्किटो को कंट्रोल करें, ये एक सबसे बड़ा प्रिवेंशन है डेंगू का। तो आइए जानते हैं डेंगू के सिम्टम। डेंगू में क्या क्या होता है? सर में बहुत तेज दर्द होना, फीवर होना, बहुत बुखार होना हाई ग्रेड का, सर में दर्द होना, आंखों के पीछे रेट्रो ऑर्बिटल पेन, आंखों के पीछे की तरफ दर्द होना, आपको जी मचलना, उल्टी होना जिसे हम नौजिया एंड वॉमिटिंग कहते हैं वो होना, जॉइंट पेन, मसल पेन, डायरिया, स्किन रैशेस और ब्लीडिंग, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो डेंगू फीवर के होते हैं। तो हमेशा इन सिम्टम्स को चेक करें और अगर आपके अंदर इस बारिश के मौसम में ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर को डेंगू के लिए कंसल्ट करें। फिर हम जानेंगे कि डेंगू का टेस्ट क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि यह डेंगू फीवर ही है। इसके लिए डेंगू का एंटीजन एंड एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट जिसे हम CBC कहते हैं वो भी किया जाता है। उसमें हमें यह देखते हैं कि प्लेटलेट्स का काउंट क्या है। डेंगू में हमेशा याद रखें प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाते हैं। एक नॉर्मल इंसान का प्लेटलेट काउंट्स 1.5 लाख to 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है और डेंगू के पेशेंट में क्या होता है, यही प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट हमारे खून में एक पदार्थ होता है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसके लिए? जैसे अगर आपको कोई चोट लग गई है या कुछ भी, तो अगर आपके पास प्लेटलेट कम होगा तो आपका खून बहना या ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। एक प्लेटलेट ही खून को रोकने के काम आता है और डेंगू में क्या होता है, यही प्लेटलेट कम हो जाता है। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन को लेकर, तो मैं आप सभी को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हर डेंगू मरीज के लिए प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जाता है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन हर एक डेंगू के मरीज को नहीं ज़रूरी होता। हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कब करना है ये बहुत ही ध्यान से समझें कि हमारे एक नॉर्मल इंसान के शरीर में 1.5 लाख to 4.5 लाख प्लेटलेट पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड है। अगर प्लेटलेट का काउंट 20,000 के नीचे आ जाता है और ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेंगू का एक सिम्टम ब्लीडिंग भी है, कई लोगों को नाक से मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जेनाइटल्स, पेशाब के रास्ते से, मोशन के रास्ते से अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है और ब्लीडिंग कंटिन्यू है और प्लेटलेट्स 20,000 से नीचे आ गए, तब आपको प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है। उसके बिना किसी भी मरीज को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जाता है। और अगर उसका प्लेटलेट 50,000 तक भी आ गया है और कोई ब्लीडिंग नहीं है तो उस मरीज को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के बिना ही वो ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कब करवाना है। तो ये हो गए हमारे सिम्टम्स और टेस्ट दिन। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम डॉक्टर के पास कब जाएं, When to consult a doctor? तो याद रखिए, अगर आपको बारिश के मौसम में आपको आपके बच्चे को अगर डेंगू के सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके सर में दर्द है, पेट में दर्द है, लगातार उल्टियाँ हो रही हैं, प्लेटलेट नीचे आ चुका है 50,000 करीब या उससे भी नीचे, और आपके हाथ पैर पेरिफेरीज ठंडे पड़ने लग गए हैं और ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको अर्जेंट डॉक्टर को कंसल्ट करना है और इसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन मैंडेटरी है। इसके बाद का ट्रीटमेंट आप हॉस्पिटल जाकर ही ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस टाइम पर डॉक्टर को कंसल्ट करना अब बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं आपको एक बताना चाहूँगी, डेंगू के तीन फेज होते हैं।
फेब्राइल फेज, क्रिटिकल फेज और रिकवरी फेज। आप ये बहुत ध्यान से समझें। फेब्राइल फेज क्या होता है? मैक्सिमम पेशेंट फेब्राइल फेज में ही ठीक हो जाते हैं। दो, अगर आपको एडीज मॉस्किटो ने बाइट करा है जिसके अंदर डेंगू का वायरस है, तो आपको 2 से 7 दिन लगेगा, फिर आपको फीवर और सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये फीवर कैसा होगा? ये फीवर बढ़ेगा उतरेगा, बढ़ेगा उतरेगा, मीन्स बाईफेजिक इन नेचर। दिस फीवर इज बाईफेजिक, ठीक है? तो आपको क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? डेंगू के लिए कोई भी वैक्सीन या मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं है। हम सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट करते हैं। कोई भी डॉक्टर हो, वो एक सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट। जैसे अगर आपको बुखार आ रहा है तो डॉक्टर आपको बुखार की गोली देगा। अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपका दर्द का इलाज किया जाएगा। आपको जो लाल लाल चिकत्ते पड़ रहे हैं उसका इलाज किया जाएगा। कोई भी वैक्सीन या मेडिसिन डेंगू के लिए प्रिस्क्राइब नहीं है। अगर आपके पेट में दर्द है तो डॉक्टर आपको उसी तरीके से ट्रीट करेगा। तो क्या होता है कि जो फेब्राइल फेज चल रहा है, तो फेब्राइल फेज में ही मैक्सिमम पेशेंट ठीक हो जाते हैं। उनको सिम्टम्स आते हैं और इसी हिसाब से उनका इलाज चलता है, वो ठीक हो जाते हैं। अब क्या होता है कि कई पेशेंट्स जो ठीक हो गए, पर कुछ पेशेंट्स क्रिटिकल फेज में एंटर कर जाते हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, अगर आपका बच्चा है उसका फीवर अब ठीक हो चुका है, तो उसको थोड़े दिन तक आपको मॉनिटर करना है कि कहीं वो क्रिटिकल फेज में तो नहीं चला जाएगा। और अगर नहीं जाता है तो वो वहीं पर सबसाइड हो जाता है आपका डेंगू। अब क्रिटिकल फेज में क्या होता है, अगर कोई मरीज क्रिटिकल फेज में जा चुका है तो उसका फीवर तो हट जाएगा, पर उसको दूसरी कॉम्प्लिकेशंस होने लगेंगी। क्रिटिकल फेज में क्या होता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है, जो खून की नली होती है, नसें होती हैं, उससे खून का रिसाव बाहर की तरफ होने लगता है। ब्लड बाहर की तरफ प्रोफ्यूज होने लगता है ब्लड वेसल्स से। तो क्या होता है, कई बार आपके फेफड़ों में, लंग्स में पानी भर जाता है, जिसे हम प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। पेट में पानी भर जाता है, असाइटिस बोलते हैं। तो इस ऐसे में क्या होता है, ये सारी बीमारियां कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है। आपका ब्लड बाहर की तरफ उसका रिसाव होने लगता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर कम हो जाता है एक मरीज का। और अगर उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो वो डेंगू शॉक कहते हैं उसको। इसके कारण डेंगू शॉक में ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से बाकी ऑर्गन्स के पास ब्लड कम पहुंचता है और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होने के चांसेस होते हैं। ऑर्गन के पास ब्लड कम पहुंच रहा है, वो कम काम कर पा रहा है, इस वजह से वो एक डेंजर सिचुएशन में जाता जाता है, जिसे मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन कहते हैं। क्रिटिकल अगर फेज में जा चुका है मरीज, तो उसका इलाज सिर्फ हॉस्पिटल में ही होगा। आपको लग रहा है आपका मरीज क्रिटिकल फेज में जा रहा है, उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करें। जितनी जल्दी हॉस्पिटलाइज होता है पेशेंट, वो उतनी जल्दी रिकवर होने के उसके चांसेस होते हैं। उतनी जल्दी उसका इलाज शुरू होगा, उतनी जल्दी वो ठीक होगा। फिर क्या होता है, कई पेशेंट रिकवरी फेज में चलते हैं। रिकवरी फेज क्या होता है, 2 से 4 दिन तक लास्ट करता है। रिकवरी फेज में 2 से 4 दिन तक पे फीवर भी सबसाइड हो जाता है, उसके सिम्टम्स भी सबसाइड हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डेंगू खत्म हो गया, हो सकता है कि उसको पूरा ठीक होने में रिकवरी फेज के बाद भी 1 हफ्ता 10 दिन लग जाए, पर वो डेंगू से बाहर आ चुका है। अब जो डेंगू के कारण उसको दूसरी कमजोरी हो गई है, उसके जो बॉडी में पेन है, वो सब ठीक होने में, कमजोरी वीकनेस ठीक होने में 1 हफ्ते से 10 दिन लग जाते हैं। ये 3 फेज होते हैं डेंगू के। अब हम जानेंगे डेंगू का ट्रीटमेंट। डेंगू का ट्रीटमेंट क्या होता है, डेंगू के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है। जैसे अगर मलेरिया की बात करें, मलेरिया में प्रोफाइलैक्सिस होता है कि ये दवाइयाँ हमें दे देनी है मलेरिया में, टाइफाइड में हमें ये दे देना है। ये चीज़ डेंगू के लिए एप्लीकेबल नहीं। डेंगू में सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट चलता है, हर एक डॉक्टर पेशेंट को सिम्टोमैटिकली ठीक करता है, ठीक है? अब इसके बाद मेन चीज़ जो हमें डेंगू में याद रखनी है कि हमें पेशेंट को हाइड्रेटेड रखना, पानी की कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट में को कंटिन्यूसली डायरिया वोमिटिंग होता रहता है, तो ब्लड उसके अंदर फ्लूइड लॉस हो जाता है। फ्लूइड की कमी की वजह से हमें उसे हाइड्रेटेड रखना है, मेन ये है। और हमेशा याद रखिए, एस्पायरिन हो गया, इसे कभी भी डेंगू में नहीं दिया जाता है। पेन किलर्स जैसे कि आइबुप्रोफेन बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। NSAIDs नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को भी नहीं दिया जाता है डेंगू में। डेंगू में पैरासीटामोल दे सकते हैं पेशेंट को, पैरासीटामोल, एस्पायरिन, पेन किलर्स, NSAIDs, ये सब याद से भी पेशेंट को कभी प्रिस्क्राइब ना करें, और आप खुद भी अपने से ये दवाइयाँ ना लें।
इसीलिए डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है डेंगू के केस में। अब हम जानेंगे डाइट में क्या क्या ले सकता है एक पेशेंट जिसे डेंगू हो चुका है। डाइट में उसे ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रहना है, तो पानी का सेवन करना है। पानी आप ORS ले ले, इलेक्ट्रॉल ले ले। अगर पेशेंट मुंह से नहीं ले पा रहा है तो उसे IV फ्लूइड के थ्रू दें। जूसेस लें, अगर आपको लस्सी छाछ जो कुछ भी आइटम पसंद है आप वो ले सकते हैं, पर आपको हाइड्रेटेड रहना है। एक चाइल्ड को 50-60 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट का आपको एस्टिमेट कर उतना हाइड्रेशन देना है उसको, उतना लिक्विड इंटेक होना चाहिए। और एक अडल्ट में 12-15 ग्लास ऑफ वाटर का फ्लूइड इंटेक होना चाहिए। और खाने में आप सॉफ्ट फूड खा सकते हैं, जैसे खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया। कोई भी हार्ड फूड ना खाएं, राजमा, छोले, जो दाल जो पचने में दिक्कत होती है वो दालें, ये सब बिल्कुल भी ना लें। और हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि मैं कभी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को एडवाइस नहीं करूँगी फॉर डेंगू पेशेंट्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए जितने भी, वो सब बिल्कुल भी ना लें। अल्कोहलिक ड्रिंक्स बिल्कुल भी ना लें। आपको सॉफ्ट डाइट लेनी है, एक सॉफ्ट डाइट जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो और सेमी सॉलिड हो, हमें ऐसा लेना है। सलाद हो गया, नॉनवेज हो गया, ये सब बिल्कुल भी नहीं लेना है, सॉफ्ट फूड लेना है। तो ऐसे करके हम डेंगू का ये रहा डाइट। और हमेशा याद रखें, डेंगू को आप प्रिवेंशन से ही बचा सकते हैं। अपने घर के आसपास सफाई रखें, कहीं भी पानी कलेक्ट होना, जैसे कूलर का पानी हो गया, गमलों में, बाल्टी में, ये सब में पानी कलेक्ट होने ना दें। आप जितनी सफाई रखेंगे, मच्छर जितने कम होंगे, आप डेंगू से उतने ही बचे रहेंगे। तो ये सब पॉइंट ज़रूर याद रखें। और अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं या आपकी और कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोस आप जल्द से जल्द हमारे चैनल पर देख पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।